के धोरव बैरागी हुई गए की लला बैरागी हुई गए और वालियों मरिया तो सुनीति माने ध्रुव लाल को आशीर्वाद दिया, बेटा तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम तुम्हारा सफल हो। आज उसी समय ध्रुव लाल जंगल के लिए प्रस्थान किया है और जब ध्रुव लाल जंगल में पहुंचे हैं तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि सबसे पहले ध्रुव लाल की भेंट देव ऋषि बाबा नारद से हुई और जब देव ऋषि बाबा नारद से भेंट हुई है तो देव ऋषि बाबा नारद ने ध्रुव लाल को देखा, सोचने लगे कि ये जरासा बालक को भला इस जंगल में अकेला क्या कर रहा है। देव ऋषि बाबा नारद ध्रुव लाल के पास में खड़े हो गए, अरे बेटा आप इस जंगल में क्या कर रहे हो। ध्रुव लाल कहने लगे, बाबा मैं इस जंगल में परम पिता को प्राप्त करने के लिए आए हैं। और जब ये बात ध्रुव लाल की सुनी तो देव ऋषि कहने लगे, अरे ये जरासा बालक जिसकी उम्र केवल 5 वर्ष की है और ये परम पिता को प्राप्त करने की बात कर रहा है। देव ऋषि बाबा नारद पास में खड़े हो गए, लाला क्या तुम्हारा कोई गुरु है। ध्रुव लाल कहने लगे, बाबा अभी तो हमारा कोई गुरु नहीं है। अरे बेटा जब तक गुरु नहीं होता है तब तक कितने भी पुण्य धर्म के काम कर लो लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता है। ध्रुव लाल हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बाबा भला इस जंगल में कौन हमारा गुरु बन सकता है, इसलिए आप ऐसा कीजिए आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो देव ऋषि प्रसन्न हुए, कहने लगे, बेटा चिंता मत करो। उसी समय देव ऋषि बाबा नारद ने
ध्रुवलाल को द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा आप इस मंत्र का जाप करना, और मैं कहता हूँ यदि आपने इस मंत्र को अपने हृदय में उतार लिया तो एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। आज ध्रुवलाल उसी जंगल में भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। और वृंदावन में हरि लाल की, राधा कृष्ण की, तो आइए सभी भक्त भगवान का छोटा सा भजन बोलेंगे। आगे बड़ी ही सुंदर कथा है, और थोड़ी देर में हमारी दीदी का भी समय होने वाला है। हमारा कुछ न बिगड़ेगा।
कृष्ण भगवान। अब सभी भक्त यहाँ से आगे कथा को दीदी के मुखारविंद से सुनेंगे।